monster who kills without cause. Kratos is a monster. Kratos monster ही है मेरे दोस्त. Kratos ये किसको लेके भाग रहा है भाई? ये किसको लेके भाग रहा है? हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका दोस्त पीयूष. तो कल बेसिकली हो गया बहुत ज़्यादा बवाल, क्योंकि कल रात के 3 बजे सोनी ने कर दिया स्टेट ऑफ प्ले. अपना जो उनका इवेंट होता है, जो क्वार्टरली या फिर मंथली हाफ ईयरली टाइप का करते रहते हैं, तो वो वाला इवेंट उन्होंने कल कर दिया भाई अचानक से. और मुझे कल देखने को मिला उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली. जो मेन चीज़ थी जिसका मैं वेट कर रहा था वो था गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर. और अभी तक का ये जो ट्रेलर है दोस्तों, ये सबसे तगड़ा ट्रेलर है जो अभी तक का गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का हमने देखा है. तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं और देखते हैं आखिर उस ट्रेलर में है क्या, और रिएक्शन देते हैं अपने. तो लेट्स गो गाइस. भाई मैं तो पूरी तैयारी में हूँ भाई. Everyone keeps secrets. Shit, man. ये भाई इसके पास कुछ पावर आवर आ गई लग रहा मुझे. Sometimes it's the only way to protect the ones you love. Oh, भाई कार्तूस, मेरा भाई क्रेटोस. Shit, Santa Monica Studio. I know you. Oh man, ये क्या कर रहा है भाई? इसने क्या काटा ये? Seriously amazing man. भाई ये तो लेविथियन एक्स है, ठीक है, हमें पता है, हमें पता है लेविथियन एक्स है. I know you. Oh shit, भाई इसने okay, ये टियर को मतलब ये बेड़ियों वेड़ियों से जकड़ा हो गई तो इसने उसको आजाद कर दिया भाई. God. Blade of Chaos. यार Blade of Chaos मुझे बहुत धांसू लगते हैं, no doubt, और ये बहुत धांसू है भी, लेकिन इसमें मेरे को एक ही कमी लगती है ना, इसका साइज बड़ा छोटा है यार. और क्रेटोस के हाथ में ना कुछ ब्रूटली तगड़ा लगता है कि भाई कुछ ऐसा जो बवाल मचा दे. क्रेटोस मतलब कुछ बड़ी हथियार ही अच्छे लगते हैं इसके ऊपर. सीरियसली किलर. ये एक तो टीयर की आवाज एकदम इन्होंने लॉन्डो जैसी रख दी है भाई. पहले भारी भारी आवाज थी शायद इसकी, और अगर इसकी आवाज क्रेटोस जैसी मोटी होती ना तब ये ज्यादा बैड एस लगता, लेकिन अभी तो ये ऐसा लग रहा है कि दिमाग का ज्यादा यूज करने वाला है, हथियार कम. ठीक है, लेट्स गो. व्हाट इज इट? ओह शिट, तो ये तीनों एक ही साथ चल गए. गॉड ऑफ वॉर वी केम टू फाइंड. ओह मैन, क्योंकि जो टीयर है बेसिकली यही गॉड ऑफ वॉर है. जो टीयर बेसिकली है ये नॉर्थ माइथोलॉजी का गॉड ऑफ वॉर टीयर ही है. You don't really want war. ये चचा, ये चचा कौन है भाई? ये चचा है तो है कौन, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये ओडिन है, लेकिन ओडिन यह क्यों नहीं है, हो सकता क्योंकि ओडिन के सर पे हैं काले घुंघराले बाल और ये तो गंजा है भाई. तो ये कोई और ही लग रहा है मुझे भाई, इसका कुछ सीन पता नहीं. और एक तो पता नहीं मतलब क्रेटोस के घर ही क्यों आ जाते हैं हर कोई, ये समझ नहीं आता. और मतलब ये भी समझ में नहीं आता क्रेटोस अपने घर में बैठा क्यों है भाई, घर चेंज कर ले, उसी लोकेशन पे क्यों है भाई तेरा घर. ठीक है. All that blood on your hands. Shit. On your son's hands. Oh भाई. ये ओडिन की बैकग्राउंड आवाज आ रही है कि योर सन्स हैंड, तेरे हाथ में, तेरे हाथ में खून, ये वो सो, ये सब ओडिन बोल रहा भाई अपना. Talk about it, but I just need you to trust me. I trust you, bro. We follow your every word. Oh भाई, ये देखो इसमें जो दिख रहा ना, ये ऐसा जो दिखाया गया, ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये वुल्फ निकला फेनरेर और ये गया भाई ओडिन के पीछे, और ये कुछ इन्होंने कर दी रैग्नारॉक, और गेम का नाम हो गया गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक. लेट्स गो. And still I follow. ये देखो फ्रेया भी आ गई, इसी की कमी थी, क्योंकि फ्रेया तो भाई होना ही होना है इस बार, तो मतलब बहुत पूरी तरीके से फ्रेया करेगी इसमें धमाल. फ्रेया ने अपना वो लॉकेट ले लिया यार. फ्रेया ने ये जो इसने दिया था, इसने गॉड ऑफ वॉर 4 में इसने दिया था एट्रियस को, ये वापस ले लिया. फ्रेया मतलब बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ है. इनकी आपस में ही चल रही भाई, याद है कि हमने इनकी आपस में ही चल रही है बेसिकली. ओ माय गॉड भाई, दो दो वल्कायरी एक साथ, दो दो वल्कायरी एक साथ, और वो भी भाई ये तो कहीं और ही लग रहे हैं मुझे. ये तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है स्पेस वगैरह में थे यार ये. ओ शिट एंड शिट शिट भाई, ब्लेड ऑफ चैओस गजब.
No, of God's will. इसका वेपन था कि जो शील्ड मिली है उसको ना, ये नया वाला था कुछ। ये मगरमच्छ हमने ट्रेलर में भी देखा था भाई, इस मगरमच्छ को शायद इसकी मौत ऐसे ही होनी है, क्रेटोस के हाथों में इसी की मौत लिखी है भाई, सभी की लिखी है भाई, गॉड ऑफ वॉर में जो भी है सबकी लिखी है। पीछे से बैकग्राउंड से बोल रहा है कि भाई तुम्हें कोई पूजा नहीं करता इस टाइप की, मतलब ना ऐसे, मतलब मेंटली साइकोलॉजिकल वो वाला सीन चल रहा है उसका। ओह शिट, ये तो पूरी रेल्म भी मुझे अलग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं दूसरी रेल्म में है जहाँ लावा हवा वाला सीन चल रहा है। टीचर भी देख रहे हो, ओह मैन मजा आएगा इस लड़के, इसे मैं देख लूंगा। Who kills without cause? Kratos is a monster. Kratos monster ही है मेरे दोस्त। Kratos ये किसको लेके भाग रहा है भाई? ये किसको लेके भाग रहा है? भाई ये Kratos किसको लेके भाग रहा है? ये क्योंकि ये तो मतलब एकदम से, क्योंकि ये Atreus तो है नहीं, ये किसी को लेके भाग रहा है कहीं से बचा बचा के, एंग्रो बॉर्डर तो नहीं है कहीं, पता नहीं, नो आइडिया, लेकिन सीरियस ये अल्टीमेट होगा। Shit. दोनों क्या कर रहा है भाई, कहाँ मार रहा है भाई? मतलब इसने जो सूरज, सॉरी मून था, मून को गिरा दिया भाई। मून था सूरज था समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मून ही होना चाहिए ये एज पर दी माइथोलॉजी एंड ऑल। लेकिन भाई ये सीरियसली भाई, वो भाई फेनरियर कैसा लग रहा है भाई? फेनरियर के लड़के हैं तो वो कैसे लग रहे हैं भाई इसमें अल्टीमेट? शिट मैन लुक एट, मतलब ये कैसा टाइटन है, क्योंकि भाई गॉड ऑफ वॉर में एक बात फिक्स होती है कि टाइटन से मुकाबला होता ही होता है इसका, मतलब इससे पहले एक ड्रैगन से हुआ, उससे पहले क्रोनोस से हुआ गॉड ऑफ वॉर 3 में, तो इस वाले में भी एक ना एक कुछ बड़ा क्रीचर तो होगा ऐसा जिससे क्रेटोस की होगी 1-on-1 तगड़ी वाली फाइट, तो शायद ये भी हो सकता है वो। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, इसमें मजा नहीं आएगा, मुझे चाहिए कि कुछ भाई इंसान टाइप का लंबा सा तगड़ा वाला बड़ा बड़ा, ठीक है। दोनों भाइयों में आपस में दोस्ती। ओ भाई, थॉर और उसका मजोल जो भी है, मतलब वो उसका हथौड़ा और भाई लेवेथियन एक्स मैन, शिट सेवन भाई साहब, शिट भाई ये देखा मैंने क्या कर रहा है, पहली ये टक्कर ओ मैन मतलब भाई इसने, इसको तो मैं एक और बार देखूंगा भाई, थॉर के साथ जो इसकी फाइट है ना वही इसका मेन जो सीन है, वही सबसे बड़ा सीन है इसका इस गेम का, और मोटा सा बनाया गया है ऐसा, क्या भिड़ंत हो गया भाई। ये देखो भाई क्या लग रहा है भाई, थॉर देखो सीरियसली मैन, और इसका हथौड़ा भाई क्या अल्टीमेट हथौड़ा है भाई, सीरियसली नेल्ड इट, ब्रूटल। मैं तो भाई इसको पहले ही दिन जाके खेलूंगा, और आप इस चैनल में बेसिकली मेरे चैनल पे इसका गेम प्ले भी देख सकते हैं जब ये रिलीज हो जाएगा उस दिन के बाद से। शिट डैम अल्टीमेट है ब्रो, अल्टीमेट। सो बेसिकली दोस्तों, तो ये था गॉड ऑफ वॉर का एक छोटा सा बैकग्राउंड, सॉरी ब्रेकडाउन और रिएक्शन वीडियो। तो अगर आपको इसका गेम प्ले देखना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, हैव ग्रेट डे अहेड।